कुमाऊं में एक तरफ जहां जंगलों में आग का कहर जारी है तो दूसरी तरफ पेयजल संकट भी गहराने लगा है। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर 81 क्यूसेक तक चला गया है। बता दें भीषण गर्मी के चलते पेयजल संकट लगातार गहरा रहा है। भीषण गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए पानी के नए कनेक्शन और सर्विस सेंटर में वाहनों की धुलाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बता दें डीएम नैनीताल के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए 42 सर्विस सेंटर को नोटिस जारी किए हैं, जबकि 2 के कनेक्शन काट दिए गए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो कंपाइलेशन है तो 291 योजनाएं ऐसी हैं कुमाऊं में जिसको हम कह सकते हैं कि जिनमें प्रेशर है और एक तरीके से दबाव है पानी का, तो उन जगहों पे हमें फीडिंग करनी है, चाहे रोस्टिंग हम ठीक से करें चाहे हम टैंकर्स से पानी भिजवाएं। तो इसमें टैंकर्स दोनों तरह के हैं, डिपार्टमेंट के अपने भी टैंकर्स हैं और बाकी आप लोगों ने किराए पर लिए हुए हैं, और अन्य अगर आवश्यकता पड़ती है उस पर किराए पर लेने के लिए भी आप लोग के पास पावर्स हैं और उसके तहत यहाँ पे कार्य योजना बनाई जा रही है।